आपको भी हैरानी हुई क्या, या आपने भी कहीं 2-4% सोचा था कि मोहन यादव हो सकते हैं? मोहन यादव जी के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, नहीं थी, लेकिन इतना तय था मानव जी, आपके साथ भी शायद चर्चा में ये बात हुई थी कि शिवराज जी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हालांकि सब लोग उनको फ्रंट रनर मान रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि आप चुनाव के पहले दिन से देखिए, जब शिवराज जी को पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया, और इस बात पर भी मैंने जोर दिया था कि इन पांचों राज्यों में केवल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने यह नारा दिया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो इसका मतलब उसी दिन से साफ हो गया था कि शिवराज जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि शिवराज जी लोकप्रिय नेता नहीं है या शिवराज जी ने चुनावों में काम नहीं किया, लेकिन ये तय हो गया था। दूसरी बात ये तय हुई इन चुनावों में, जो मैं पार्टी की तरफ से समझ रहा हूं, कि जनरेशनल शिफ्ट, जिसके लिए भी मैं बार बार जोर दे रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जनरेशनल शिफ्ट होगा, यानी रमन सिंह, शिवराज जी और वसुंधरा जी। अब फिर अभी कल तक के लिए मैं रिस्क ले रहा हूं, फिर भी मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी, ये तीनों चेहरे जो है अब बाहर होंगे। दो चेहरे बाहर हो ही गए, रमन सिंह जी भी हो गए, शिवराज जी भी हो गए, और इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं, पार्टी की स्ट्रेटेजी भी होती है। कोई बड़े लीडर 20 साल वहां पर काम किया तो नए लोगों को बनाए। त्रिपाठी जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ से जो बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं वो लोग पार्टी उनको आगे ला रही है, हिंदुत्व के चेहरे को आगे ला रही है। मोहन यादव जी को मैं जानता हूँ, वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में से रहे, सुरेश सोनी जी के उनका उन पर स्नेह बना रहा है, तो वो उस तरह का संघ का उन पर बड़ा असर है। और दूसरा उज्जैन, उज्जैन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो है वाराणसी, गोरखपुर हो रहा है, अयोध्या हो रहा है, अब उज्जैन हो रहा है, अब फिर मथुरा हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी सामने रखा जा रहा है। क्योंकि जब भी आप चर्चा करेंगे मोहन यादव की तो फिर से उज्जैन और महाकाल की चर्चा होगी, तो वो अपने आप उसमें सिमर हो रहा है। ये सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जिसको लेना चाहिए। और हम चौंकाने वाला तो हम अपनी झाप मिटाने के लिए कहते हैं सर, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, हमारी अज्ञानता चौंकाना कहलाती है, मैं ऐसा समझता हूँ। मतलब हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें जानकारी नहीं है, इसे चौंकाना कहना। पर विजय जी एक बात बताइए, देखिए विजय जी आपने सही कहा कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये बीजेपी ने क्लियर कर दिया था, पहले से कोई शक नहीं है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिनों में रणनीति बदली थी, शिवराज जी का चेहरा आगे किया था, हालांकि ऐलान नहीं किया था वो सीएम बनेंगे, पर चुनाव सही मायनों में कुछ ना कुछ शिवराज के चेहरे पर भी हुआ, और 163 सीटें मिली विजय जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुमत नहीं मिला। सब मानते हैं कि लाडली बहना और शिवराज जी के चेहरे ने वहां बड़ा रोल प्ले किया, ऐसे में शिवराज जी का पत्ता काटना आपको सही लगता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम तो ठीक हुआ था कि शिवराज जी ने किया है, मैं कह रहा हूँ कि शिवराज जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे, लेकिन आप सोचिए कि चुनावों से पहले सभी लोग, जितने विद्वान यहाँ बैठे, वो चर्चा कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है 18 साल की शिवराज जी की, तो वो कैसे चलेगी शिवराज जी को? ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजी वाइज उन्होंने तय किया हो पार्टी ने कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए सीएम फेस से शिवराज जी को हटा दिया जाए, और उसका फायदा क्या हुआ कि वो विलेन से विक्टिम बन गए, और एक सिंपैथाइज पूरा के पूरा उनके साथ हो गया, लोगों की बड़ी जो है संवेदनाएं और प्रेम और सब कुछ, लाडली बहनों का वो सब कुछ जुड़ गया। और शिवराज जी ने भी पूरी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी ने ये मैसेज पहले कर दिया कि वो वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। और मैं एक चर्चा आपके साथ हुई थी या नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती थी की थी वो नहीं दोहराना चाहती। ये तीनों चेहरे 2018 में बदलने थे पार्टी को, लेकिन तीनों को उसने छोड़ दिया और नई लीडरशिप तैयार नहीं की थी। अब वो 2023 में ये गलती नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जगह ही नहीं बची है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए इसको देखना चाहिए। अब बाकी 2024 के चुनाव और ये सब तो वो सारी चीजें वो देखते ही, वो बैठे ही दिन भर यही काम करते हैं, ठीक है, ओके, आलोक मुद्दा नहीं है, लेकिन मोहन यादव करेंगे, और एक नरोत्तम मिश्रा साहब अभी मंत्री होते थे, उनसे मिलता जुलता काम कुछ मोहन यादव भी करेंगे, तो वो भी एक बैलेंस होगा पार्टी के लिए। ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी आपकी प्रति